दोस्तों, जैसा कि पिछले लेसन में आप लोगों ने पेन टूल के हवाले से सीखा, इस लेसन में मैं आप लोगों को पेन टूल के अंदर मौजूद तीन मजीद ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऑप्शंस हैं ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। तो चलिए आए चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। चलिए दोस्तों, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम टूल बार के अंदर देखते हैं तो हमारे कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें एक एरो का साइन नज़र आता है, और इसका मतलब ये है कि इन टूल्स के अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा पेन टूल है, ये भी ऐसे ही टूल्स में से एक है। जब इसके ऊपर आप माउस ला के होल्ड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर मज़ीद तीन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये तीन ऑप्शंस भी बड़ी करामद हैं और इनको भी हम गाहे बगाहे पेन टूल के साथ साथ यूज़ करते रहेंगे। तो चलें मैं आपको इन तीनों के बारे में बताता हूँ कि ये क्या हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली ऑप्शन आपके पास मौजूद है ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसके बाद दूसरी ऑप्शन है डिलीट एंकर पॉइंट टूल और तीसरी ऑप्शन है एंकर पॉइंट टूल। ये जो एंकर पॉइंट टूल है, इसको सीसी से पिछले वर्जन्स के अंदर कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल के तौर पे आप लोग जानते हैं। तो चलें इनको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, एक स्क्वायर मैंने लिया। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, इससे मैं स्टार्ट करूँगा और आपको समझाना शुरू करूँगा। दोस्तों, ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, इस टूल से अगर आप आके किसी भी एंकर के ऊपर क्लिक करें, जैसे कि ये मैंने किया, तो ये उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रहे कि आपको पाथ के ऊपर आके एग्जैक्टली एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना होगा, तभी आपका जो एंकर पॉइंट है वो डिलीट होगा। जैसे ही ये देखें, मैंने इस एंकर पॉइंट को डिलीट किया तो मेरी जो स्क्वायर की शेप थी वो एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मज़ीद क्लिक करता चलूँ, ये देखें, एक और क्लिक मैंने किया तो मेरा जो स्क्वायर था वो एक लाइन सेगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर मैं इसको डिलीट करता जाऊँ तो ये देखें, मेरी जो स्क्वायर की शेप थी वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी है और जा चुकी है। उसकी वजह यह है कि मैंने डिलीट एंकर पॉइंट टूल की मदद से उस स्क्वायर के अंदर जितने भी एंकर पॉइंट्स मौजूद थे उनको डिलीट कर दिया है। अच्छा, मैं दोबारा एक और स्क्वायर लेता हूँ और अब की बार आपको मैं बताने लगा हूँ जी ऐड एंकर पॉइंट टूल। दोस्तों, ऐड एंकर पॉइंट टूल डिलीट एंकर पॉइंट टूल के बिल्कुल बरक्स काम करता है। ये करता है कि आप अगर किसी भी पाथ के ऊपर जाके ऐड एंकर पॉइंट टूल से क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने इस वक्त वाजे है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि एक एंकर वहाँ पे ऐड हो जाएगी। दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि ऐड एंकर पॉइंट टूल का जो शॉर्ट की है वो प्लस साइन है कीबोर्ड पे, और जो डिलीट एंकर पॉइंट टूल की शॉर्ट की है वो कीबोर्ड पे नेगेटिव साइन है। ये देखें, ये हमारे पास जितनी बार मैं इस पाथ के ऊपर क्लिक करता चला जाऊंगा उतने ही एंकर पॉइंट्स मेरे इस पाथ के ऊपर जो हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इनमें से किसी भी एंकर पॉइंट को अपनी मर्जी से आके चेंज कर सकता हूँ, और ये देखें, मेरी जो स्क्वायर की शेप थी ये चेंज होना शुरू हो गई है। अच्छा, तो ये तो थे ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। अब एक तीसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एंकर पॉइंट टूल। दोस्तों, ये एंकर पॉइंट टूल ये करता है कि अगर हम किसी भी एंकर के ऊपर आके इसके साथ क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसको इसकी मदद से मूव करें तो ये देखें, ये बेसिकली हमारे उस एंकर पॉइंट को कर्व में, यानी कि एक जो हमारे पास बिल्कुल एक पॉइंट मौजूद है, उस पॉइंट को, नोक को, कोने को, कॉर्नर को ये कर्व के अंदर तब्दील कर देता है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे एक स्क्वायर ले रहा हूँ, ये मैंने स्क्वायर लिया। अब दोस्तों, मैं करता ये हूँ, आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर एक एक एंकर पॉइंट मौजूद है। मैं ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले आता हूँ ऐड एंकर पॉइंट टूल में और यहाँ पर इसके अपर सेंटर में एक एंकर पॉइंट को ऐड करता हूँ। अब इसके बाद मैं नीचे आता हूँ और एंकर पॉइंट टूल लेके इसको मैं
अगर यहाँ पे ऐसे चेंज करूँ तो ये देखें, ये जो मेरी ऊपर वाली लाइन थी ये कर्व के अंदर चेंज हो गई है। इसी तरह से अगर मैं इसी एंकर को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और अब मैं वापस आऊं एंकर पॉइंट टूल पे और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करूं, तो ये देखें दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही मज़े की सिंपल सी एक आर्च की जो शेप है वो आपके सामने क्रिएट हो गई है। तो इसी तरह से हम ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और जो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है इसकी मदद से डिफरेंट शेप्स को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ दोस्तों पॉलीगॉन, इस शेप को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अब एक ड्रॉ कर रहा हूँ जी पॉलीगॉन। अब यहाँ पे मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल को लेता हूँ और इसकी मदद से मैं यहाँ पे इसके जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनको मैं सेंटर से पकड़ के मूव करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो कर्व्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई हैं, और ये अगर इनको हम थोड़ा सा कर्व्स को मज़ीद अंदर बाहर करें और इनको हम मैनेज करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक फ्लोरल शेप जो है वो आ गई है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेता हूँ और इसकी मदद से इन कर्व्स को थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लेके आता हूँ। ये देखें तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक जो जिस तरह से फ्लावर की पेटल्स होती हैं उस तरह की जो एक शेप है ये आपके सामने क्रिएट हो रही है। ये देखें, चलें जी, ये आपके सामने बन गया एक फ्लावर। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम पेन टूल के अंदर मौजूद तीन ऑप्शंस यानी कि ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल की मदद से भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हैं और शेप्स को बहुत ज़्यादा चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा इस लेसन के अंदर हमने ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल जैसी पेन टूल की एडिशनल ऑप्शंस को स्टडी किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों टूल्स जो हैं ये समझ में आ गए होंगे और अब आप लोग इन टूल्स की मदद से ना सिर्फ नई शेप्स क्रिएट करेंगे बल्कि उनको चेंज करेंगे और आप लोगों ने अब इनकी प्रैक्टिस करनी है। आने वाले लेसन्स के अंदर हम पेन टूल की ही मदद से कुछ ऑब्जेक्ट्स को और कुछ कैरेक्टर्स को हम ट्रेस करना सीखेंगे।